काफी देर इंतजार के बाद परमिशन मिला, परमिशन रिजेक्ट हुआ, फिर परमिशन मिला और आपके सामने बोलने का मौका मिला। ये खुशी की बात है कि आपके इदारे में मैं एक ऐसा शख्स जो 9 साल एक ऐसा शख्स जो 9 साल जेल में दहशतगर्दी के इल्जाम में बंद रहा, टेररिस्ट का एक टैग पुलिस ने मुझ पर लगाया और जब मैं बाहर छूट कर आया तो जनरली 2 तरह के एटीट्यूड हमारे समाज में नजर आते हैं। एक तो लोग ये समझते हैं कि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ये छूट चुका है, कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड ये चीज होती है कि ये गुनेगार है, ये दहशतगर्द है, इसने दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई की है, लेकिन पुलिस इस केस को साबित नहीं कर सकी, इसके खिलाफ गुनाह साबित नहीं कर सकी, पुलिस को गवाह नहीं मिले होंगे, कुछ एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, कुछ एविडेंस क्लिंचिंग नहीं रहे होंगे, इसलिए ये छूट चुका है। तो कुछ लोग आज भी उस नजर से ऐसे शख्स को देखते हैं कि ये दहशतगर्द है। और एक समाज का दूसरा तबका है वो इस नजर से देखता है कि ये बेगुनाह है जिसे हमारे पुलिस सिस्टम ने फंसाया था, ये अपनी जिंदगी के जवानी के 9 साल जेल में बिता कराया है, ये विक्टिम है। बल्कि बम ब्लास्ट में मरने वाले लोगों से और जख्मी होने वाले लोगों से ज्यादा बड़ा विक्टिम है, इसलिए इसका सपोर्ट किया जाना चाहिए, इसको जो है टाउन दिया जाना चाहिए समाज में इस तरह के भी लोग। और मुझे दोनों तरह के लोगों से साबका पेश आता है और मेरी खुशकिस्मती यह है कि ज्यादातर मुझे वो लोग मेरे सामने आते हैं जो मुझे एक विक्टिम की हैसियत से देखते हैं। ये खुशी की बात है, क्या मुस्लिम समाज क्या गैर मुस्लिम समाज दोनों ही मुझे ज्यादातर लोग ऐसे देखते हैं। मैं अपनी कहानी शुरू करूं, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, और वक्त मुझे दिया गया 45 मिनट्स का, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि 450 पेजेस की जो मैंने बुक लिखा है, जो दरअसल मेरी और मेरे साथियों की और मेरे केस की कहानी है, वो आपके सामने 45 मिनट्स में। लेकिन कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो आपके सामने आनी चाहिए, जो आपको मालूम होनी चाहिए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक मामूली स्कूल टीचर मैं, अंजुमन इस्लाम बॉम्बई में स्कूल चलाता है, वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, और अपनी एक नॉर्मल रूटीन लाइफ मैं बिता रहा हूँ। और अचानक 2006 में मुंबई की वेस्टर्न लोकल ट्रेन के जेंट्स फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में शाम के 7:25 से 7:37 के दरमियान सीरियल बम ब्लास्ट 7 ब्लास्ट हो गए, माटुंगा में, मीरा रोड में, चतुश्वरी में और दादर के करीब अलग अलग स्टेशन या स्टेशन के बाहर। और इस बम ब्लास्ट में 200 लोग हलाक होते हैं और करीब 700 लोग जख्मी होते हैं। बॉम्बे पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद एटीएस को ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाता है, हेडेड बाय कृष्णपाल रघुवंशी, केपी रघुवंशी, द मोस्ट इनफेमस नेम इन इंडियन पुलिस सिस्टम। और इसका जो रोल है, ये
ये मैं आपको रखूंगा आगे भी कि इसने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए। और ये जो है 13 लोगों को अरेस्ट करता है इस केस में, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी अरेस्ट किया जाता है। और अरेस्ट करने की जो बुनियाद है सिर्फ और सिर्फ सस्पेशन, शक की बुनियाद पर, शक के आधार पर अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। शक के बुनियाद पर अरेस्ट करना, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि शक की बुनियाद पर अरेस्ट किया है, लेकिन जैसे ही शक दूर हो जाए, जैसे ही मालूम हो जाए कि इसने ये गुनाह नहीं किया, इसने ये क्राइम नहीं किया, उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन उसको छोड़ा नहीं जाता, बल्कि 13 लोगों को इस केस के अंदर बुरी तरह फंसा करके सालों साल के लिए जेल में भेज दिया जाता। और आपको सुनकर हैरत होगी कि ऐसा नहीं है कि इस केस में पुलिस वाले कुछ कंफ्यूजन का शिकार है, पुलिस वालों को पता है फ्रॉम डे वन, उनको पता है कि ये 13 लोगों ने ब्लास्ट नहीं किया। वो हमसे कहते थे कि तुमने ब्लास्ट नहीं किया, तुम्हारी ताकत नहीं है ब्लास्ट करने की, तुम्हारी एबिलिटी नहीं है ब्लास्ट करने की, तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है ब्लास्ट करने की, हमसे पर्सनली कहते। लेकिन हम क्या करें, ब्लास्ट को सिर्फ मुसलमान करते, ब्लास्ट सिर्फ आरडीएक्स से होता है, आरडीएक्स पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान को सपोर्ट मुसलमान करते हैं, इसलिए तुमने किया। मुसलमानों के अलावा किसको पकड़े, 2008 में एटीएस चीफ हेमंत करकर ने जब साबियन कंपनी को अरेस्ट किया तो थोड़ा सा मंजरनामा बदला है, लेकिन उससे पहले एटीएस यही सोच रही थी कि नहीं मुसलमान ही ब्लास्ट करते। और हम डाले तो किसको डाले, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ओरिजिनल लोग या जिन्होंने किया है तो हमको मिल नहीं रहे। चुनांचा वो पहले दिन से जानते थे कि इन्होंने ब्लास्ट नहीं किया है, उनको पहले दिन से ये इल्म था कि इनको इस केस में फंसाना है। तो इन्होंने फंसाने के लिए क्या काम किया, अभी मेरे डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, इंजीनियर साहब से, कि पुलिस के लिए किसी भी केस में फंसाना, उसमें कन्विक्शन देना बहुत आसान काम, बहुत आसान काम। तो मैं आपको बताऊं, मुझे एक दिन का बॉम्बे का पुलिस कमिश्नर बना दीजिए, या केपी रघुवंशी की जगह पे रख दीजिए, नरेंद्र मोदी को भोंगराज केस में अरेस्ट करके जशोदा बेन को विटनेस बना के उसको फांसी की सजा दिला, एक दिन का कमिश्नर आप बना दीजिए या रघुवंशी की जगह पे, इतना आसान। और हमारी बदकिस्मत ये थी कि हम ये समझ रहे थे कि पुलिस किसी गलत फहमी में, और पुलिस हमको चंद दिनों बाद छोड़ देगी, चंद दिनों बाद हमको रिहा कर देगी, लेकिन ये हमारी गलत फहमी जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई और हमको पता चला कि अब हम छूटने वाले नहीं है इसलिए। अच्छा, हमको ये लग रहा था कि पहली बार हमारे साथ 2006 में फॉल्स इम्प्लिकेशन हो रहा है, पहली बार, हमारी कम ही थी। लेकिन हमें क्या पता था कि 2006 से पहले 2003 में भी बॉम्बे पुलिस ने कई मुस्लिम नौजवानों को बॉम्ब ब्लास्ट केस में अरेस्ट किया था। मिलन बॉम्ब ब्लास्ट आपको याद, पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्रीमती रोहिणी सालियन कोर्ट के अंदर लिख कर देती है कि जो लोग मुलुन बम ब्लास्ट केस में अरेस्टेड एक्यूज है उनमें से ये लोग, इनका इस ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं, फिर भी वो अरेस्टेड है, फिर भी वो जेल में है, फिर भी उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई और फिर भी उनको जो है प्रोसिक्यूट किया गया। और उससे पहले आप चले जाइए 98 का ब्लास्ट, आपने नहीं सुना होगा, 98 में भी बॉम्बे के अंदर और अतराफ में कुछ ब्लास्ट हुए थे, उसमें भी कुछ लोग है जो बेगुनाह है जिनको बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने छोड़ दिया। हम लोग नहीं जानते थे, हमने कुछ पढ़ा नहीं था, और हम समझ रहे थे, आप देखिए अक्षरधाम मंदिर का ब्लास्ट, उससे पहले का पूरी की पूरी टीम है वंजारा एंड कंपनी, जिसने इशरत जहां का एनकाउंटर किया और उसके 3 साथियों को मारा गया, 17 किलो पीले रंग का मटेरियल उनके ऊपर प्लांट किया गया कि ये आरडीएक्स है, ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है। बाद में सीबीआई में क्या हुआ, सीबीआई की रिपोर्ट में एफएसएल रिपोर्ट है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट है कि वो 17 किलो जो पीले रंग का जो पाउडर है वो एक्सप्लोसिव
डीसीपी पांडे है वो पूरे गुजरात पुलिस के आईपीएस अफसर, इन्होंने जो है मुफ्ती अब्दुल कय्यूम एंड कंपनी इस अक्षरधाम मंदिर में उनको अरेस्ट किया, उनको कन्विक्शन दिया, फांसी ट्रायल कोर्ट ने फांसी दी, हाई कोर्ट ने फांसी को कंफर्म किया और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलो। तो हम बेल थे, लाइन थे, हमको पता नहीं था कि ये हमारे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि ये इंडिया के अंदर फॉल्स इंप्लिकेशन का एक सिलसिला है जो हमारे से पहले भी हो चुका है और हमारे बाद भी हो रहा है। और हमको बहुत ही अफसोस हुआ उस वक्त। फिर जेल जाने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा, दो महीने तक हमको पता ही नहीं था कि किस जुर्म में अरेस्ट किए गए, कौन से क्राइम में हमको डाला गया है। वो हमसे इन्वेस्टिगेशन करते थे, ब्लास्ट कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया। हमारा एक ही उत्तर होता था, एक ही जवाब होता था कि हमको नहीं मालूम। और उसके बाद जो है पुलिस ने जेल जाने के दो महीने बाद जब चार्जशीट फाइल की, तब हमको रियलाइज हुआ कि हमको किस केस में जो है डाला गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कह रहा था कि जेल जाने के बाद जो सबसे पहले मैंने काम किया है, किताब लिखने का, कि जो हम पर बीती है, जो हमको फंसाया गया है, किस तरह से हमको जो है फॉल्सली इम्प्लिकेट किया गया है, इस केस में इन्वॉल्व किया गया है, उसको लिखा जाए ताकि लोगों को पता चले। और जब मैंने जेल में किताब लिखना शुरू की तो उस वक्त की सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल श्रीमती स्वाति साठे, उसने उस किताब के पन्नों को जला दिया, उसने उस किताब के पन्नों को लेकर के फाड़ दिया, उसने उस किताब के पन्नों को जो स्नैच कर दिया और मुझे उस किताब को लिखने की इजाजत नहीं मिली, पेन रखने की, कलम रखने की इजाजत कई दिनों तक नहीं। फिर वो बाद में हमारे वकील को मार दिया गया। एडवोकेट शाहिद आजमी का मर्डर मुंबई में हुआ है 2010 में फरवरी में, आप जानते हैं। वो हमारे लॉयर थे, हम में से ज्यादातर एक्यूज को डिफेंड कर रहे थे और उनको यह एतबार था, यकीन था कि इन सब को जो है फॉल्सली इम्प्लिकेट किया गया है और हमारे केस को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया, लेकिन उसको उनको जो है मरवा दिया गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ट्रायल शुरू हुआ, जेल में 6 घंटे हमको मारा गया, 6 घंटे कंटिन्यू टॉर्चर। मैं अगर आपको टॉर्चर के ऊपर बताऊं तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि क्या ऐसा भी टॉर्चर इंसानों के साथ होता है, बॉम्बे में होता है, बॉम्बे पुलिस करती है। हाँ, एटीएस के जो टॉर्चर सेल है वो साउंड प्रूफ है, अंदर जो टॉर्चर हो रहा है उसकी बाहर आवाज बाहर नहीं जा सकती। उनका जो टॉर्चर है वो ऐसा है कि अगर आपके बदन पर इंजरी मार्क्स है बॉडी पर, तो जज को वो दिखाते नहीं है, पूरी फुल स्लीव का आपको शर्ट पहनाएंगे, यहाँ तक बटन लगाएंगे और आपको पीछे आपके गन रखेंगे। जब आपको कोर्ट रूम में पेश करेंगे जज के सामने, तो पीछे आपके गन रखेंगे, धमकी देंगे कि जो टॉर्चर आपके साथ हुआ है वो आपको बताना नहीं है, अगर आपने बताने की हिम्मत की तो ले जाने के बाद भी हम इससे ज्यादा टॉर्चर। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि टॉर्चर बहुत हुआ है, ये तो पुलिस कस्टडी में, लेकिन जैसे ही एक एक्यूज जेल कस्टडी में जाता है तो उस पर टॉर्चर जनरली नहीं होता है, लेकिन वहां भी मिसिस श्रीमती स्वाति साठे सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल अथर और जेल 2006 में 2007 में हमको उसने जो है तीन चार घंटा जो टॉर्चर किया है, और उसी टॉर्चर की पोजीशन में हमको एक जेल से दूसरी जेल जो है ट्रांसफर किया है। पूरे हमारे खून के अंदर जो है शर्ट जो डूबा हुआ था, हमारे हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, पैर की हड्डी टूटी हुई थी, उसी तरह हमको जो है डम करके एक गाड़ी के अंदर यहाँ से नागपुर भेजा गया, यहाँ से कोल्हापुर भेजा गया। इस तरह से जो है टॉर्चर का मामला हमारे साथ हुआ है। फिर 2010 के बाद ये ट्रायल शुरू हुआ हमारा ट्रायल, और आपको पता है कि ट्रायल के अंदर इस वक्त 12 लोग हैं जिनको कन्विक्शन मिल गया, मैं हूँ 13वां और खुशकिस्मती से मैं छूट गया। मैं अभी यही बता रहा था सर को कि मैं छूटा कैसे, मैं इसलिए छूटा कि एटीएस ने मेरे खिलाफ जो विटनेस खड़ा किया था वो मेरा रिश्तेदार, अब उसको मार कर दबा कर धमकी दे करके उसको मेरे खिलाफ जो है 164 स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने दिलवाया,
2006 में उसने पुलिस के दबाव में आके वो स्टेटमेंट दे दिया और उस स्टेटमेंट के बुनियाद पर क्लिंचिंग एविडेंस उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर मुझे 9 साल तक ना बेल मिली है ना डिस्चार्ज मिला। और 9 साल के बाद जब ट्रायल शुरू हुआ, ट्रायल चला है और जब उस विटनेस को बुलाया गया कोर्ट के अंदर, तो उसने आकर यही कहा कि जो कुछ मैंने 164 में स्टेटमेंट लिया है वो सब गलत है और पुलिस ने मुझे मार मार के जबरदस्ती ये स्टेटमेंट लिया है और पुलिस वाले मुझे फोन करते हैं और पुलिस वाले ने मुझे स्टेटमेंट लिख कर दिया है, वो स्टेटमेंट की कॉपी भी उसने कोर्ट रूम में जमा की, अपना मोबाइल फोन उसने कोर्ट रूम में जमा किया कि इस मोबाइल फोन पर पुलिस वालों के फला फला पुलिस वालों के ये नंबर आते हैं, मुझे थ्रेटनिंग करते हैं। तो मेरे खिलाफ जब कोई सबूत और कोई गवाह और कोई एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं आया तो कोर्ट ने जो है मुझे वाइसर बरी कर दिया। लेकिन वो जो 12 लोग थे जो मेरे साथ थे, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ पिछले 12 सालों से, जिनके साथ मैंने 9 साल जेल में जिंदगी गुजारी है, जिनके सुख में दुख में जिनके फैमिली मेम्बर्स के एक एक फर्द को मैं जानता हूँ, वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ 3 बुनियादों पर सजा भुगत रहे। एक हकीका कन्फेशन। कन्फेशनल स्टेटमेंट क्या है? यूएपी आप सुनते हैं, एमसीओ सी एमओ का सुनते हैं, कोटा और टाडा का नाम सुनते हैं, ये जितने कानून है, ये काले कानून, इसमें प्रोविजन है यूएपीए को छोड़ करके कि जिसमें पुलिस अफसर के सामने दिया गया स्टेटमेंट एडमिसिबल एविडेंस होता है कोर्ट के, और ये पुलिस वाले टॉर्चर करके रेडीमेड कन्फेशनल स्टेटमेंट को लिख करके एक्यूज की साइन लेते और वो एविडेंस कोर्ट रूम में जाता है, उसकी बुनियाद पर बिलीव इट उसकी बुनियाद पर फांसियां होती है और भी हमारे केस में 1-2 नहीं 5 लोगों का। तो एक तो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, दूसरा है विटनेसेस, स्टॉप विटनेसेस, फॉल्स विटनेसेस, पुलिस के पाले हुए विटनेसेस है, उनके खबरी है, उनके लिए काम करने वाले लोग है, वो विटनेस है जो पुलिस उनको स्टेटमेंट के लिए सिखाती है, पढ़ाती है, वो कोर्ट में आकर हमारे खिलाफ गवाही देते हैं। और तीसरी जो चीज है वो रिकवरी है। किसी के घर से सीमेंट निकाल के ले गए, उसको आर्टेक्स बना दिया, किसी के घर से जो है शेर व शायरी की किताबें ले गए, मिर्जा गालिब की शेर व शायरी की किताबें, दाद दहलवी की शेर व शायरी की किताबें, मजरू सुल्तानपुरी की, फैज अहमद फैज की किताबें, और कहा कि ये जो है खड़काऊ लिटरेचर। ये हुआ है हिंदुस्तान में, ये हो रहा है हिंदुस्तान में, ये हमारा पुलिस सिस्टम, ये हमारा जुडिशियल सिस्टम कहां जा रहा है आप देखिए। ये 3 बुनियादों के ऊपर ये जो है कन्विक्शन लगा है और ये पूरा का पूरा कन्विक्शन जो है ये बिल्कुल गलत है, रॉन्गफुल कन्विक्शन है, जिसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। 2014 में जब ट्रायल खत्म हो गया तो मुझे टाइम मिला और फिर मैंने इस किताब को लिखना शुरू किया। इस किताब में आपको जहां 12 एक्यूज के बारे में डिपोजिशन मिलेगा, 12 एक्यूज की स्टोरीज मिलेगी, वहीं आपको पूरा ये जो क्रिमिनल सिस्टम है कि किस तरह से क्रिमिनल सिस्टम हमारा करप्ट हो चुका है, पुलिस सिस्टम किस तरह से हमारा करप्ट हो चुका है, जुडिशियल सिस्टम किस तरह से डेंटेड हो चुका है, इसमें मैंने आपको जो है बताया है। और 1 साल में किताब लिखता है और चोरी छुपे स्मगल करके मैं पेजेस बाहर बेचता है, स्मगल करके, और बाद में बाहर आने के बाद फिर मैं छूट गया 2015 में खुशकिस्मती से। और उसके बाद जो है मैंने एक किताब दिल्ली में छापी गई, एक पब्लिशर ने छापी है, फारोस मीडिया पब्लिशर ने, और ये किताब इस वक्त उर्दू और हिंदी में है और इंग्लिश में आ गई। किताब की पब्लिसिटी मकसद नहीं है, किताब को बेचना मकसद नहीं है, मैं किताब इसलिए मैं आपके सामने प्रमोट करता हूँ क्योंकि इस किताब के अंदर 12 लोगों की सच्चाई है। वो लोग जो आज जेल के अंदर फांसी आर्ट के अंदर बैठ बंद है, आपको पता है फांसी आर्ट क्या होता है? क्या नहीं इमेज है? फांसी आर्ट एक ऐसा सेल होता है छोटा सा, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जहां दिन का उजाला आप देख नहीं सकते, अगर आपकी आंखें कमजोर है, आपने चश्मा पहना है तो आपके चश्मे का ग्लास निकाल दिया जाता है, अगर आप इजार पहने हुए हैं तो आपके इजार का नाड़ा निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर चश्मा पहनने दिया जाएगा तो उस ग्लास से वो अपने आप को काट के नुकसान पहुंचाएगा, और अगर इजार के अंदर नाड़ा रहेगा तो वो उससे जो फांसी ले लेगा, हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इसको अपने हाथ से मरने नहीं देंगे, हम अपने हाथ से मारेंगे इसको, वक्त से पहले मरने नहीं देंगे, बल्कि कोर्ट के फरमान से वक्त और दिन तय
ऑर्गेनाइज और वो बहुत ही, और आपको पता है जो फांसीयार होता है जहां पर उस कैदी को बंद रखा जाता है बिल्कुल उसके पीछे दीवार के पीछे फांसी का फंदा होता है जहां पे रोज उसकी सफाई होती है, ऑयलिंग होती है, और वो रोज ना उसके कानों में आवाज आती है कि अभी कल या आज या कल एक परवाना आएगा, एक ऑर्डर आएगा, ये दरवाजा खुलेगा, मुझे पीछे ले जाएंगे और लाठ पटका के मुझे मार देंगे। ये पोजीशन है। अच्छा, जिसने गुनाह किया, जिसने ब्लास्ट किया, जिसने बेगुनाहों को मारा, उसको प्रायश्चित हो सकता है, उसको पछतावा हो सकता है, वो फेस करने के लिए तैयार रह सकता है, लेकिन जिसने कुछ नहीं किया, जो बेगुनाह है, जो मासूम है, अगर उसको फांसी के फंदे पे लटका है, जिसकी कोशिश हो रही है और तैयारियां हो रही है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसलिए हम लोगों ने उन 12 लोगों के बचाने के लिए, मैं कह रहा हूं बचाने के लिए, मुझे रोना आता है, इंसाफ कहां है? मुझे तो उम्मीद नहीं है कि छूट पाएंगे। इसलिए उम्मीद नहीं है कि पूरा का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक हमारा सिस्टम जो है करप्ट हो चुका। और अफजल गुरु केस के अंदर आप देखिए क्या हुआ, और आपके याकूब मेमन केस में क्या हुआ, 10 लोगों को फांसी लगी। 10 लोगों को फांसी लगने के बाद आर्गुमेंट क्या हुआ वहां पर? आर्गुमेंट ये हुआ एरोन आर्चिस के साहब, ये जो 10 लोगों को आपने फांसी दी है ये तो आर्चिस है, ये तो एरो है, ये तीर है, इनको चलाने वाला कोई और है, आर्चिस कोई और है, और आर्चिस है जो है टाइगर है, तो टाइगर है, इनको फांसी मिलनी चाहिए ना कि इन लोगों को, क्योंकि ये तो उसके गुलाम थे, ये तो उसके उनके नौकर थे, ये लोग तो उसके वहां काम करते थे, जैसे उनके बॉस ने बोला इन्होंने कर दिया तो साहब इनकी फांसियां माफ कर दो, कम से कम इनको जिंदगी भर जेल में रहने दो, इनको रिलीज मत करो चलेगा, लेकिन उनको फांसी पर लटका के मारो मत। सुप्रीम कोर्ट ने यह आर्गुमेंट एक्सेप्ट किया एरोन आर्चिस का, और सबकी फांसियां खत्म कर दी सिवाय याकूब की, और बाद में आप जानते हैं याकूब को फांसी पर लटकाया गया। सेम आर्गुमेंट ट्रायल कोर्ट में हमारे वकील ने हमारे केस में कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है कि ये बम ब्लास्ट 7/11 बम ब्लास्ट पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, इसलिए आजम चीमा नाम का जो आदमी है वो हेडेड है इसका, उसके इशारे पे इन लोगों ने किया है। तो साहब हमारे वकील ने कहा ये भी तो एरोसिंग वाला केस हुआ, उसके इशारे पे किया, ये तो बेचारे उसके इशारे पे चल रहे थे, इनकी फांसियां माफ कर दो, इनकी फिर को फांसी मत दो, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने कोई बात नहीं सुनी और 5 लोगों को जो है फांसी लगा दी। मैक्सिमम कन्विक्शन, मैक्सिमम डेथ पेनल्टी अगर किसी केस में है इस वक्त हिंदुस्तान में तो वो ये केस है। इससे बड़ा केस 93 बम ब्लास्ट है, इससे ज्यादा कैजुअलिटी उसमें है, इससे ज्यादा इंजरीज उसमें है, लेकिन वहां पे एक शख्स को फांसी पे मारा जा रहा है और यहाँ 5 लोग हैं जिनको फांसी पे लटकाने की तैयारी है। तो अजीत भाइयों, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने कहता कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट गंदा हो गया है, कुछ लोग उसमें है जो आज भी अच्छे हैं। विनोद भट्ट एसीपी रह चुका है एटीएस का, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और वो बहुत ही माहिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। केपी रघुवंशी ने उसे कहा कि तुम्हें इस केस की जो है फॉल्स चार्जशीट तैयार करनी है, फाइल करनी, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ और उसने कहा कि ये सब बेगुनाह लोग हैं, मैं इनको इनके खिलाफ मैं गलत चार्जशीट जो है फाइल नहीं कर सकता हूँ, और उसके बाद उसको इतना प्रेशराइज किया गया, इतना प्रेशराइज किया गया कि विनोद भट्ट उसी जगह पर जाकर सुसाइड करता है, ट्रेन की पटरी पर जहां बम ब्लास्ट हुआ, अपने आप को मार लेता है। माटुंगा रेलवे पटरी पर जहां बम ब्लास्ट हुआ था कुछ दिन पहले, उसी पटरी पर जाकर सो जाता है और उसके अपने आप को जो खत्म करता है, खुदकुशी कर देता है। तो ऐसे लोग भी है जिन्होंने हमको बचाने के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दी। राजीव संजीव भट्ट का आप देख रहे हैं मामला, फिर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। हाँ, गुजरात का जो कार्नेज था, जो फसाद था, उसको उन्होंने किस तरह से उन्होंने उजागर किया है, उसी की सजा उनको जो मिल रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सी बातें हैं, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ 5 मिनट है मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, लेकिन वक्त कम है, 2-3 बातें करके मैं अपनी बात खत्म करूँगा। एक बात तो ये है कि हमको आपको सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में ऐसा क्यों हो, और हम और आप ये सोचते हैं, सुन लीजिए, अगर हम और आप ये सोचते हैं कि खड़े रहने वाला
एक अलग एंटिटी है, एक अलग शख्स है, और आप जो सुनने वाले एक अलग शख्स है, आपकी पोजीशन ये कभी नहीं होगी। तो हम गलत सोचते, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी पोजीशन ऐसी हो, दुआ दे रहा हूं या बदवा दे रहा हूं, लेकिन जो आप लोग बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं, आपका आप लोग के साथ भी खुदा ना खास्ता कुछ हो सकता है। हिंदुस्तान के अंदर किसी भी केस में अरेस्ट करना पुलिस के उल्टे हाथ का केस, उल्टे हाथ का खेल है, और उसके बाद उन्हें उसको प्रोसिक्यूट करना और उसको सजा दिलाना बहुत आसान है। और जो लोग गुनहगार है, जिन्होंने क्राइम किया है, असल में जो गुनहगार है, उनको जो है उस केस से निकालना और उनको छोड़ देना बहुत ही आसान। पिछले जहां केस में स्टडी कर रहा था, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि क्या उस केस में हुआ है, और उसके बावजूद कई लोगों को डिस्चार्ज मिल गया है पुलिस वालों को, मैक्सिमम लोग उसमें जो है बेल पर रिलीज होकर के बाहर आ चुके। इनकाउंटर से 3 दिन पहले उस लड़की को अबडक्ट किया गया, अबडक्शन किया गया, अगवा किया, और एक गुजरात के फार्म हाउस के अंदर उसको जाके रखा गया, और उसके बाद उनको टॉर्चर किया गया, उनको नशावर दवाइयां दी गई, और सैटेलाइट फोन से पाकिस्तान के एक आदमी से बात कराई गई। ये मेरे अल्फाज नहीं है, सीबीआई की चार्जशीट बताया, और सैटेलाइट फोन से ये बात कराई गई है कि तुम उससे इस तरह की बातें करो कि हमको जो है गुजरात में हमला। तो ये जो लाल गाड़ी है, ये लाल गाड़ी जो है बंजारा की, जो उसमें मॉल, और जो सफेद गाड़ी है वो नरेंद्र मोदी, और जो काली गाड़ी है वो बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। ये तीनों लोग उस इशरत जहां इनकाउंटर में मुलविस थे, और मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर जो लोग ऑफिसर मौजूद थे उन लोगों ने स्टेटमेंट दिए, 164 स्टेटमेंट है सीबीआई के चार्जशीट में, कि इनके इंस्ट्रक्शन पर, इनके कहने पर, राजेंद्र कुमार के कहने पे आईजी का जो चीफ था, ये सब कार्रवाई हुई है। लेकिन आप देख लीजिए, तीनों बाहर है, और बंजारा जो अभी इंटरव्यूज दे रहे थे पिछले दिनों टीवी के ऊपर, और वो एक धड़ल्ले से कह रहे थे, हाँ तीन गाड़ी का नाम आ रहा है तो क्या कर सकते आप, हमने उनको मारा, वो दहशतगर्द है, हमने उनको मारा, और जो भी दहशतगर्द है गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, ये वो इंटरव्यूज में खुलेआम कह रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा टाइम खत्म हो गया, और मेरा उसूल ये है कि टाइम से एक मिनट ज़्यादा मैं बात नहीं करता। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, मेरी बात सुनी। जाते जाते एक जो अपील मैं करना चाहता हूँ, इस सर्वे जगह बॉम्बे लोकल ट्रेन सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट 2006 के ऊपर आप लोग इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आप लोग कुछ जानकार लोग हैं, इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी के लोग हैं, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मेरा एक वेबसाइट है theinnocent.in, उसके ऊपर सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, डेपोजिशन आपको मिल जाएगा, बुक्स आपको मिल जाएगी, एवरीथिंग इज देयर theinnocent.in, उस पर आप चीजें लीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और इसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाइए। क्यों कि अगर हम लोगों ने ये काम नहीं किया तो ये 5 लोग तो फांसी पे लटका दिए जाएंगे, लेकिन अगर हम लोगों ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो कभी भी जो है हमारा और आपका नंबर आ सकता है। तो उससे बचना है तो जुल्म के खिलाफ हमको आवाज़ उठानी चाहिए। जो बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको और आपको समझ दे।